आज संगीत जगत से एक बुरी खबर आई। मशहूर गायक केके का निधन हो गया। वो कोलकाता में एक कॉन्सर्ट के लिए गए थे, जहां लाइव परफॉर्मेंस के दौरान वो बेहोश होकर गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर वहां के डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरी इंडस्ट्री सदमे में है। सोशल मीडिया पर लोग केके को याद कर रहे हैं। उनके साथ काम कर चुके कई म्यूजिक कंपोजर्स और सिंगर्स अपनी यादें साझा कर रहे हैं। ऐसा कुछ किस्सा जाने माने कंपोजर प्रीतम ने किया। उन्होंने कहा, मुझे यकीन नहीं होता, बता नहीं सकता कितना शॉक्ड हूँ, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। हमारी आखिरी मुलाकात 6 महीने पहले हुई थी, अब शायद वो हमारा आखिरी गाना बन गया। जब हम रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में मिले थे, केके से कभी फ़ोन पर ज़्यादा बात नहीं हुई है। हम दोनों ने लगभग एक साथ ही अपने करियर की शुरुआत की। उन दिनों मैं जितने भी सिंगल्स बनाता केवल केके से ही गवाता था। मुझे याद है, अलविदा मैंने उसे गैलेक्सी के स्टूडियो में सुनाते हुए कहा था कि मैं जिस भी फिल्म के लिए इसे रिकॉर्ड करूँगा तुम ही गाओगे। प्रीतम ने आगे कहा, उसके ना होने की खबर पर मुझे विश्वास ही नहीं होता। वो सबसे स्वस्थ इंसानों में से एक था। मुझे देखकर वो हमेशा कहता था कि दादा तुम कितना अनहेल्दी लाइफ जीते हो, सुबह सोते हो, ये सही नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसे हेल्थ से जुड़ा कोई इशू था ही नहीं। वो ना ही ड्रिंक करता था और ना ही स्मोकिंग की आदत थी। वो पूरी तरह से फैमिली मैन था। वो छुट्टियाँ लेता था, परिवार के साथ वक्त बिताता था। उसने कभी जिंदगी में स्ट्रेस लिया ही नहीं। प्रीतम आगे बताते हैं, मैं कई बार उसे कॉल कर बुलाता था कि केके आ जाए इधर, गाना बनाना है। वो कहता, दादा मेरे नाम पर जो गाना लिखा होगा वो ही मुझे मिलेगा। मैंने कई बार उसका इंतज़ार किया है कि वो आए और गाए, लेकिन वो कभी किसी रेस में नहीं रहा। हमेशा कहता था कि मुझे किसी रेस में आना ही नहीं है। हमने छिछोरे के गाने के लिए वीडियो भी शूट किया था। ये गाना पिता और बेटे के बीच का है। वह वीडियो हम पर शूट हुआ था, जहां मैं और केके अपने बेटे की तस्वीर लेकर उसे फिल्मा रहे थे। मैं हमेशा अपने कॉम्पोजिशन में केके के लिए एक गाना ज़रूर रखता था। उसके लिए तो हर फिल्म में गाना रखा है। मैंने 83 में भी उसके लिए सॉन्ग बनाया था, लेकिन किसी कारणवश वो गा नहीं पाया था। अब लग रहा है कि उससे सारे गाने रिकॉर्ड करके रखता तो कितना अच्छा होता। ये तो इंसान की आखिरी सोच होती होगी ना, ऐसे कौन करता होगा। अगर केके दारू पीता, ड्रग्स लेता तो शायद, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं करता था यार। प्रीतम बताते हैं, वो क्लीनेस्ट इंसान रहा है। सच्चे फैमिली मैन की कोई तस्वीर होती होगी तो मेरे जहन में केके ही आता है। जिस तरह की अनुशासित ज़िंदगी वो जीता था, उसके बारे में ये खबर शॉक करती है। वो रेगुलर बॉडी चेकअप करवाता था, रेगुलर ECG करवाता था। उसने ज़रूर अपनी बॉडी स्कैनिंग भी करवाई होगी। समझ नहीं आता कि अगर हार्ट में ब्लॉकेज था भी तो कैसे पकड़ में नहीं आया। मुझे याद है उसे कोविड भी हुआ था। क्या ये कोविड की वजह से हुआ है, भगवान ही जानता है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं अब भी सोच रहा हूँ कि ये खबर अफवाह हो। केके को भले ही उसका ड्यू नहीं मिला हो, लेकिन जिस तरह का प्यार उसने पाया है उसे बयां कर पाना मुश्किल है। उसे मिलने वाला प्यार प्योर था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि केके अच्छा इंसान नहीं था। उसकी स्माइल सबका दिल जीत लेती थी। ये वाजिद से शुरू हुआ है, उसकी क्या उम्र थी। फिर हमने बप्पी दा, लता मंगेशकर, श्रवण जी जैसे लोगों को खोया। मुझे नींद नहीं आ रही है, पता नहीं ये रात कैसे गुजरेगी। केके गुजर गए, मगर उनकी आवाज़ सालों साल हमारे बीच रहेगी। उनके गाए दर्जनों हिंदी गाने लोगों की ज़ुबान पर चढ़े रहे हैं। फिर चाहे वो हम दिल दे चुके सनम का तड़प तड़प हो, या उनके पहले एल्बम का गाना पल, या माचिस फिल्म का छोड़ आए हम वो गलियां। केके के कई गाने लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं।